हेलो गाइस, दिस इज एलीट पीटर्स और आज हम उस फ्रंट के बारे में बात करने वाले हैं या उस वॉरफेयर की जो गन्स मिसाइल बॉम्ब से नहीं लड़ा जाता लेकिन नुकसान इतना पहुंचा सकता है जिसकी कोई लिमिट ना हो। इसके थ्रू वॉर जीते भी जाते हैं और हारे भी जाते हैं, शुरू भी किए जाते हैं और खत्म भी। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की कोई डेफिनेशन नहीं है, ना ही इसका कोई स्टैटिक नेचर है जिससे मैं आपको समझा पाऊँ कि ये क्या है और काम कैसे करता है, लेकिन मेरे पास कुछ हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हैं जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि IW एक्चुअली में है क्या। दिसंबर 1971, पाकिस्तान की बंगालीज के अगेंस्ट जेनोसाइड और उसके ही कारण इंडिया में बने रेफ्यूजी क्राइसिस से शुरुआत होती है 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की। ये वॉर अब तक का पाकिस्तानियों के लिए सबसे एम्बैरेसिंग वॉर होने वाला था क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानीज World War II के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर करने वाले थे और ये सरेंडर हुआ सिर्फ एक फोटोग्राफ की वजह से। ऑन 8 and 9 December इंडिया ने थाउजेंड्स ऑफ लीफलेट्स पाकिस्तानी पोजिशन के ऊपर ड्रॉप किए जिसमें इंडियन ऑफेंसिव और उस पे किए गए बेहद घटिया पाकिस्तानी रिस्पांस को मेंशन किया गया था जिससे पाकिस्तानी ट्रूप्स का मोराल कम किया जा सके। इसी दौरान इंडियन आर्मी एक बड़ा पैरा ड्रॉप मिशन प्लान कर रही थी और इस मिशन से पहले इंडियन आर्मी ने साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस को फुल स्पीड में पुश करने का प्लान किया। जो लीफलेट वाला इंसिडेंट आपने सुना वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन की एक टैक्टिक थी जो एंशियंट टाइम से काफी फेमस है। उस टाइम के DGMO ने रामा मोहन राव, जो की एक ऑफिसर थे डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन में, उन्हें टास्क दिया कि इस पैरा ड्रॉप की अच्छे से पब्लिसिटी होना चाहिए। राव ने यह चीज चीफ PR ऑफिसर ईस्टर्न कमांड कर्नल रिखे को बताई, लेकिन दिक्कत ये थी कि जिस लोकेशन से ड्रॉप होना था वहां कोई कांटेक्ट ही नहीं मिल रहा था जो इस ड्रॉप के पिक्चर्स ले सके ताकि वो अगले दिन न्यूज़पेपर में प्रिंट हो सके। तब राव ने एक गेम खेला जिसका प्राइस था हाफ ऑफ पाकिस्तान। राव ने आर्मी आर्काइव से एक पैराड्रॉपिंग एक्सरसाइज की पिक्चर निकाली और उस पिक्चर को जंप के बाद UK और US के आउटलेट्स को दे दिया गया। अगले ही दिन वो पिक्चर हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे थी, लेकिन इस फोटो के कैप्शन में लिखा गया था ट्रूप्स ऑफ इंडियन पैरा ब्रिगेड वर एयर ड्रॉप्ड ओवर ईस्ट पाकिस्तान, बट ये कहीं नहीं मेंशन था कि ये एक फाइल फोटो है ना कि एक वॉर के ऑपरेशन की पिक्चर। इस फोटो और कैप्शन से पाकिस्तानियों को ये लगा कि इंडियंस ने पूरी की पूरी ब्रिगेड एयर ड्रॉप कर दी है ऑफ अराउंड 5,000 सोल्जर्स, जबकि असलियत में सिर्फ एक बटालियन जिसमें रफली 1,000 सोल्जर्स है वो एयर ड्रॉप हुई थी। ऐसा माना गया कि इन रिपोर्ट्स का पाकिस्तानी फोर्सेस के मोराल पे बहुत गहरा असर हुआ और दे सरेंडर्ड बिकॉज दे थॉट दे आर आउटनंबर्ड बाय द इंडियन फोर्सेस। और जब लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, जो कि उस टाइम पाकिस्तानी फोर्सेस को लीड कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान में जिसको इंडिया ने बांग्लादेश बना दिया, जब उनसे पूछा गया कि आपने सरेंडर क्यों किया, तब उन्होंने द टाइम्स की उस पिक्चर की तरफ पॉइंट किया जिसे इंडियंस ने तेंगेल ड्रॉप के लिए यूज किया था। ये था इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का क्लासिक यूज और जैसा कि मैंने कहा, इसके थ्रू वॉर जीते भी जाते हैं और हारे भी जाते हैं। जहां इंडिया ने इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की मदद से 93,000 सोल्जर्स का सरेंडर करवा दिया और जंग जीत ली, वहीं जो लीफलेट्स इंडिया ने पाकिस्तानी पोजीशन पर ड्रॉप की थी उनकी वजह से पाकिस्तानी सोल्जर्स ने लड़ने से पहले ही हार मान ली थी। रही बात वॉर शुरू करने की, तो इसका भी एग्जांपल मैं आपको एक हिस्टोरिकल इवेंट से ही समझाना चाहता हूँ। 19 मार्च 2003 को US ने इराक को इन्वेट किया और एक महीने तक चले इस इन्वेजन में लाखों लोगों की मौत हुई। और आपको पता है ये इन्वेजन क्यों और कैसे हुआ था? अमेरिका ने पूरी दुनिया से महीनों और सालों तक ये झूठ बोला कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, मीन्स न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि 700 UN वेपन इंस्पेक्शंस के बाद भी पूरे इराक में न्यूक्लियर वेपन का नामो निशान नहीं था। तब भी US ने इराक को इन्वेट किया और अपने इंटरेस्ट को सिक्योर किया। और ऐसा नहीं था कि US को ये बात पता नहीं थी कि इराक में न्यूक्स नहीं है, बट सिस्टमैटिक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के सहारे दे अचीव व्हाट दे वांटेड टू। ये तो रहे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं करंट टाइम में चल रही कॉन्फ्लिक्ट्स की। रशिया यूक्रेन वॉर में कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैला के वेस्टर्न मिलिट्री एंथुजियास्ट और मीडिया ने वेस्टर्न पब्लिक को तब तक ये यकीन दिलाया कि रशिया तो ये वॉर हार रहा है जब तक रशिया ने इतनी टेरिटरी नहीं जीत ली जो कि पूरे यूक्रेन का 20% है। पर जब तक लोगों के सामने से एक बहुत गहरा मिस इन्फॉर्मेशन का फॉग हटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट में हमें ये चीज बहुत ही बड़े लेवल पे देखने को मिली है। यूं तो इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट आप लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूं जो एक बेस्ट एग्जांपल है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की पावर का। ऑन 17 अक्टूबर अल अहली अरब हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और न्यूज आना स्टार्ट हो जाती है कि अराउंड 500 पीपल आर डेड एंड सडनली एवरीवन वर लुकिंग टुवर्ड्स इसराइल, क्योंकि 7 अक्टूबर के अटैक के बाद जिसमें अराउंड 1500 से ज्यादा इसराइलीज को हमास ने मारा, उसके बाद इसराइलीज ने इतनी इंटेंस बॉम्बार्डमेंट की जितनी रीसेंट टाइम में किसी ने नहीं देखी होगी, तो लोगों को लगा कि इस एक्सप्लोजन का जिम्मेदार भी इसराइल है। इस एक्सप्लोजन के तुरंत बाद शुरू होता है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का सबसे बड़ा गेम। ट्विटर पे लाखों ट्वीट्स होना शुरू होते हैं
जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और थोड़े ही टाइम में ये मिस इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइंस बन जाती हैं, जिससे बेसिकली ये मिस इन्फॉर्मेशन लेजिटिमाइज होना स्टार्ट होती है। क्योंकि यूजुअली कोई भी मीडिया हाउस की हेडलाइन देख के आम लोगों को लगता है कि ये ठीक न्यूज़ है, लेकिन हेडलाइंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम लोग एक सर्टन टॉपिक को फॉलो करते हैं, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ हेडलाइन देखकर अपनी ओपिनियन बनाती है और फिर उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। This is why controlling misinformation in the first couple of hours is very critical. क्योंकि जब चीजें escalate होती हैं information warfare में, तो ये पूरी दुनिया से reaction attract करती है, जो या तो condemnation के रूप में आ सकता है, या फिर counter attack के। ये ना केवल ऐसी violence को promote कर सकती है जिसे रोका नहीं जा सकता, but उसको justify करने में भी मदद करती है। बाद में visual evidence से ये conclude होता है कि उस hospital पे हमास का खुद का ही rocket गिर गया था, जो misfire हुआ, और casualties भी इतनी नहीं है जितनी शुरुआत के कुछ टाइमों में claim की गई। उस impact से बने crater को भी analyze किया गया multiple angles है, और वो rocket से बना हुआ ही लग रहा था, ना कि उन बॉम्ब से जो इसराइल यूज कर रहा है। ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इतना बड़ा था कि इसने ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड लीडर्स को रिएक्ट करने पे मजबूर कर दिया, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उस रीजन में इस सिंगल मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ने ऑलमोस्ट इसराइल के अगेंस्ट 3 वॉर फ्रंट खोल दिए थे। इमेजिन द पावर ऑफ नरेटिव। ऑल्सो इट वॉज लेटर फाउंड आउट दैट द अमाउंट ऑफ पीपल डाइड इन द मिस फायर ऑफ रॉकेट इज नॉट इवन हाफ ऑफ दोज हु आर लूजिंग देयर लाइफ इन डेली इसराइली बॉम्बिंग। बोथ आर सैड, बट दैट्स देयर फेट। अब अगर हम इंडिया पे इस लेवल के इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर पे थोड़ा सा क्रिटिकली सोचे, तो इट कैन गिव अ लिटरल नाइटमेयर टू एनीवन। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, साइज वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी, और डाइवर्सिटी वाइज भी। एक सटल टेंशन सोसाइटी में हमेशा रहती है ड्यू टू अवर ब्लडी हिस्ट्री, और कुछ उन लोगों की वजह से भी जो इस हिस्ट्री को वेपनाइज करते हैं। इंडिया में इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर ने रिसेंट टाइम में कई जगह पे बहुत बड़े स्केल पे वायलेंस करा रखी है। वायलेंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर फार्मा प्रोटेस्ट, डेली रायट्स ऑफ 2020 और मणिपुर वायलेंस, ऑल दीज मेजर एंड मैनी स्मॉलर इंसिडेंट्स में इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का बहुत बड़ा रोल रहा है। जहां फार्मा प्रोटेस्ट के टाइम पे एक बहुत बड़ा कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया था जिससे इंडिया में हिंदूज और सिक्स के बीच में दरार डाली जा सके, वहीं डेली रायट्स की शुरुआत हुई थी इंडियन गवर्नमेंट के एक बिल के ऊपर जो इस्लामिक कंट्रीज में रह रही प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। उसके पूरे मैंडेट को मैनिपुलेट करके और एक बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला के कि वो बिल मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, बहुत बड़े लेवल पे वायलेंस कराई गई। हमने दोनों ही टाइम पे बहुत बड़े स्केल पे वायलेंस देखी। फिर मणिपुर का केस आता है जहां पे एक ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट को हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन कॉन्फ्लिक्ट पेंट करने की कोशिश की जाती है। इन तीनों इंसिडेंट में एक चीज बहुत कॉमन है, ये बहुत बड़े लेवल पे वायलेंट और डिवाइसिव सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। इंडिया ऐसे कई टाइप के फ्रंट पे फाइट कर रहा है जो इंडिया का परसेप्शन और रेपुटेशन अफेक्ट करते हैं, बट व्हाट वी आर लैकिंग टू काउंटर दिस बिहेमियत ऑफ अ थ्रेट। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले काफी स्टडीज पढ़ी पिछले 20 सालों की इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर से रिलेटेड, और मुझे एक वर्ड बार बार रिपीट होते दिखा जो इस सिचुएशन में बड़ा रोल प्ले करता है। ये वर्ड है थ्रेट पेस। इसका मीनिंग होता है कि जो थ्रेट फैल रहा है उसका क्या पेस है, क्या स्पीड है, और इसका सोल्यूशन भी इसी के नाम में है। जितनी तेजी से थ्रेट फैल रहा है उतनी तेजी से उस पर रिस्पॉन्स किया जाए तो उसके न्यूट्रलाइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हम यही लैक करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस ना तो थ्रेट को आते हुए देख पाते हैं और ना ही टाइमली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। थ्रेट यूजुअली मिस इन्फॉर्मेशन ही होती है जो हॉस्टाइल एनवायरमेंट क्रिएट करवाना चाहती है, और हिस्टोरिकली ये कई इंसिडेंट में देखा गया है। बालाकोट स्ट्राइक्स, डेली रायट, मणिपुर वायलेंस, फार्मर प्रोटेस्ट, that the institutions and organization responsible to share credible and correct information were caught sleeping, which effectively means we were not able to keep up with the threat pace. Now, how can we solve it? मेरे हिसाब से इसका solution है ODA loop. ODA loop develop किया गया था एक military strategist ने in mid 20th century, जो थे US Air Force के Colonel John Boyd. Soldiers को on field during a conflict बहुत important और time sensitive decision जल्दी जल्दी लेने होते हैं, और ODA loop को उन्हें इतनी decision making process में help करने के लिए develop किया गया है। और ये system आज के volatile, uncertain, complex और ambiguous style of warfare में perfectly fit होता है। ODA का full form होता है Observe, Orient, Decide and Act. Observe means identify the problem. In terms of information warfare, identify the misinformation and disinformation. Orient means form a response, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे सिचुएशनल अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है आपके एक्शंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में एक गलत स्टेप और आप पूरी जंग हार सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज डिसाइड। इट इंक्लूड्स पुटिंग फॉरवर्ड ऑल द ऑप्शंस एंड रिस्पॉन्सेज अवेलेबल टू पिक द बेस्ट वन एंड देन एक्ट।
दिस मीन्स गो फुल गन ब्लेजिंग विद योर रिस्पॉन्स। इस मॉडल को फार्मर प्रोटेस्ट, डेली राइट्स और मणिपुर वायलेंस पे लगा के देखें और अज्यूम करें सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचने का, तो जो रिजल्ट आज हम देख रहे हैं वो बहुत अलग होते प्रेजेंट सिनेरियो से। और इंडिया के लिए ये बिल्कुल भी टफ नहीं है इस फ्रंट को टोटली डोमिनेट करने का। वेरी रिसेंटली इंडियंस केम आउट ऑफ द सिलेबस फॉर द होल वर्ल्ड ड्यूरिंग इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट। जनरली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नेशंस या तो साइड अपने इंटरेस्ट या फिर अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पे लेते हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो द वेस्ट, जो इसेंशियली पूरी दुनिया का नैरेटिव कंट्रोल करता है ड्यू टू इट्स ह्यूज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वो खुद को सडनली चैलेंज फील करता है। और वेस्ट हैबिचुअल नहीं है उनके करेक्शन एक्सेप्ट करने के उस नैरेटिव में जिसको वो पेडल करना चाहते हैं, और ये चैलेंज आ रहा था इंडिया से। सिमिलरली इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट में द वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नैरेटिव वॉज बिटवीन इस्लामिस्ट अराउंड द वर्ल्ड वर्सेस जूज एंड देयर वेस्टर्न सपोर्टर्स, बट इंडियंस इन बिटवीन देन केम आउट ऑफ सिलेबस। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इंडियंस का सपोर्ट इसराइलिस को इतना ओवरवेलमिंग था कि उनके मिनिस्टर से लेके एम्बेसडर्स तक काफी इमोशनल थे इस चीज को देख के। इन द पास्ट इस कॉन्फ्लिक्ट पे नैरेटिव बिल्डिंग के सिर्फ दो ही प्लेयर्स थे, द इस्लामिस्ट एंड जूज, बट दिस टाइम इंडियंस केम आउट ऑफ द सिलेबस फॉर द होल वर्ल्ड। अब एक लो की डर हर जगह है कि द मोमेंट यू से समथिंग अगेंस्ट इंडिया और अगेंस्ट द इंडियन इंटरेस्ट, यू विल बी फैक्ट चेक्ड बाय अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल इन योर ओन लैंग्वेज विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स विच यू माइट हैव क्लेवरली एंड इंटेंशनली अवॉइडेड फॉर योर प्रोपेगेंडा। मैंने इसे आउट ऑफ द सिलेबस इसलिए कहा क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू हमने ऑब्जर्व किया है कि द वेस्ट इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट ही पूरी दुनिया का नैरेटिव बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, पर इंडियंस की ऐसी एंट्री ने सबको कॉशियस भी किया है और अब इंडिया की इस कैपेबिलिटी को डिटर करने के लिए एक्शंस भी लिए जाएंगे। इसलिए अब एक रोबस्ट इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर स्ट्रेटजी की जरूरत और ज्यादा है। वी जस्ट नीड टू पुट आउट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इन रियल टाइम एंड पीपल विल डू व्हाट दे डू बेस्ट, बैशिंग ऑन रिगार्डलेस। द बेस्ट पार्ट इज इंडिया इज नॉट एन आइसोलेटेड सोसाइटी लाइक चाइना एंड समवॉट रशिया। न्यू इंडिया बिलीव्स इन एंटरिंग द ग्लोबल डिस्कोर्स विद फैक्ट्स, फिगर्स एंड लॉजिक, बट इफ द नीड अराइज एंड पीपल कीप एक्टिंग लाइक जोकर्स अगेंस्ट इंडियंस, इंडियंस विल ट्रोल द हैक आउट ऑफ यू विद ब्रिलियंट मीम्स। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इसके पीछे गोल था बेसिक अवेयरनेस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का और क्या स्टेप हम ले सकते हैं टू स्ट्रेंथन अवर कैपेबिलिटीज। आप ये वीडियो उन लोगों को भेज सकते हैं जिन्हें ये टॉपिक में इंटरेस्ट है। तब तक के लिए आई एम एलिट पीटर्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।